ओके तो है गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में इस प्रकार की न्यू रिलिक से स्टेटस वीडियो को बनाने वाले हैं। अगर आप इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हम इस वीडियो को बनाएंगे अलाइट मोशन ऐप की मदद से। अगर आप अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली से डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ। बिट मार्क सेक इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस लेना। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, हमें लाइट मोशन स्टार्ट कर लेना है। लाइट मोशन स्टार्ट हो जाने के बाद आपको नीचे में प्लस से प्लस के बगल में प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में एक क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद सॉन्ग बीट मार्क टेक्निकल PS 11 और सेक इफेक्ट टेक्निकल PS 11, ठीक है, ये दोनों को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और चले जाना है सॉन्ग बीट मार्क में, ठीक है। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद आप देख सकते हैं पहले से रिलिक्स लिखा ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको फ़ोटो डालना है, ठीक है। और एक बता रहा हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट वाली बीट मार्क है, ये वाली, यहाँ पे अपना आप लोगो डाल देना, ठीक है। आप यहाँ पे लोगो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आगे बताता हूँ, ठीक है, जहाँ पे रिलैक्स सारी। हाँ, और एक यहाँ है, यहाँ पे अपना भी नाम डाल सकते हो, ठीक है। और सारे रिलैक्स ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पे आ जाना है लास्ट वाली बीट मार्क में रिलैक्स के, ठीक है। यहाँ पे आ जाना है, फिर फ़ोटो डालना है, ठीक है। तो फोटो डालने के लिए नीचे कॉर्नर पे प्लस से प्लस को क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद मीडिया में चले जाना है, ठीक है। और जिस फोल्डर में आप फ़ोटो रखे रहेंगे वहाँ पे चले जाना है, ठीक है। मैं पहले से रखा हुआ हूँ तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर सीधे फ़ोटो डालूँगा, ठीक है, अपने पसंद की फ़ोटो डाल लेना, ठीक है। यहाँ पर फिर ऊपर फ़ोटो को क्लिक करने के बाद ऊपर में थ्री डॉट है, थ्री डॉट को क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिल कंपोज्ड एरिया क्लिक कर देना है, ठीक है। पूरा यहाँ पे आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। फिर बाकी पार्ट को कट कर देना है, ठीक है। फिर प्लस में क्लिक करना है, मीडिया में जाना है। मीडिया में आने के बाद फिर एक फ़ोटो ले लेना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, ऊपर में है कॉर्नर पर, ठीक है। फिर कंपोज्ड एरिया को कर लेना है क्लिक, ठीक है। फिर अगले बिट मार्क में आना है, फिर बाकी पार्ट को कट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे में प्लस है, प्लस क्लिक करना है। फिर मीडिया में जाना है, मीडिया में आने के बाद फिर एक फ़ोटो ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेना है। फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर उसके बाद कंपोज एरिया क्लिक करना है। फिर दूसरे बिट मार्क में आने के बाद बाकी पार्ट को यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक फ़ोटो डालना है, फिर मीडिया में जाना है, फिर यहाँ पर एक फ़ोटो डाल लेना है, ठीक है। फिर कंपोज एरिया को क्लिक कर देना है, ठीक है, ठीक है। फिर एक फ़ोटो लेना है तो प्लस में क्लिक करना है, फिर मीडिया को क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक फ़ोटो डाल देना है, ठीक है, यहाँ पे। फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर कंपोज एरिया क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे हो जाएगा। और इसको अच्छा से एडजस्ट करना है तो मूव एंड ट्रांसफर में चले जाना है, फिर यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ से अगले बिट मार्क में आना है, फिर बाकी पार्ट को कट कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूरे सारे कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ सिंपली से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको सेक इफेक्ट्स में चले जाना है। सेक इफेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे दो दो इफेक्ट्स है, ठीक है। तो पहले ऊपर वाले को क्लिक करना है, ठीक है। ऊपर वाले को क्लिक किए, फिर उसके बाद इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से फिर उसके बाद सिंपली से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पे ये वाले में क्लिक कर देना है, ठीक है। ये पहले वाले में मत करना, ठीक है, ये वाले में मत करना, ये वाले में क्लिक करना, ठीक है। जो ऊपर में फर्स्ट फर्स्ट वाली है उसको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, फिर ये वाले को छोड़ देना है, फिर अगले रिलैक्स में जाना है, फिर ये वाले को क्लिक करना है ऊपर वाले को, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, ठीक है।
फिर ये वाले को छोड़ देना, ये वाले को करना है ठीक है, फिर ये वाले ऊपर में ऊपर वाले को क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा, फिर ये वाले को यहाँ आ जाना है ठीक है, ये वाले रिलिक्स में, फिर ये वाले को क्लिक करना है ठीक है, फिर ऊपर वाले को, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, हो गया, ये सारे कंप्लीट हो गया ठीक है। उसके बाद यहाँ सिंपली से बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद सेक इफेक्ट में चले जाना है ठीक है, फिर यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है। अब नीचे वाले रिलिक्स को क्लिक करना है ठीक है, नीचे वाले को, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है ठीक है। फिर यहाँ से सिंपली से बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद आपको सॉन्ग बीट मार के फिर से चले जाना है ठीक है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट वाले रिलिक्स है उसको क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है ठीक है, हो जाएगा। फिर ये वाले रिलिक्स में आ जाना है, फिर नीचे वाले क्लिक करना है, फिर थ्री, फिर इसको इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है ठीक है। फिर ये वाले में आ जाना है, फिर नीचे वाले को क्लिक करना है ठीक है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, हो गया। फिर यहाँ आ जाना है, फिर ये वाले नीचे को करना है ठीक है, फिर सारे सारे फंड वाले रिलिक्स को ऐसे कर लेना है ठीक है। इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाना है, फिर नीचे वाले को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है ठीक है, फिर पेस्ट कर देना है ठीक है, हो गया, ये सारे रिलिक्स कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ सिंपली से बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद आपको फिर से सेक इफेक्ट्स में चले जाना है ठीक है। सेक इफेक्ट्स में आने के बाद ये वाले को क्लिक करना है ठीक है, ये वाले को क्लिक करना है, फिर उसके बाद इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर कॉपी इफेक्ट करना है, फिर सिंपली से यहाँ से बैक आ जाना है ठीक है। बैक आ जाने के बाद आपको सिर्फ फिर से सॉन्ग वाले में चले जाना है, सॉन्ग बीट मार्क में चले जाना है ठीक है। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद जहाँ पे आप फोटो डाले रहेंगे वहाँ पे आ जाना है ठीक है, ये वाले फोटो में आ जाना है ठीक है। फिर ये वाले फोटो को क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है ठीक है। फिर एक को छोड़ देना है ठीक है, ये वाले को छोड़ देना है, ये वाले को क्लिक करना है ठीक है, ये वाले को, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, हो गया। फिर ये वाले को छोड़ देना है, फिर ये वाले को क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, हो गया। फिर यहाँ से कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद सेक इफेक्ट्स में चले जाना है ठीक है। फिर ये वाले को क्लिक करना है, फिर ये वाले को क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर कॉपी इफेक्ट्स कर देना है ठीक है। फिर यहाँ से सिंपली से बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद सॉन्ग बीट मार्क में फिर से चले जाना है ठीक है। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद ये फर्स्ट वाले को छोड़ देना है, फिर ये वाले को क्लिक करना है ठीक है, ये दूसरे वाले फोटो का, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है, हो गया कंप्लीट। फिर ये वाले छोड़ देना है, फिर ये वाले क्लिक करना है, फिर ये वाले फोटो क्लिक करना है, फिर इफेक्ट्स को क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट को क्लिक करना है, फिर पेस्ट कर देना है ठीक है। फिर ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। फिर यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर कॉर्नर पे शेयर का बटन है उसको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे नीचे में एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट को यहाँ पे क्लिक कर देना है ठीक है। फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही।